बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई से आईपीएल के कुछ मैचों को पुणे और नागपुर से बाहर शिफ्ट करने की सलाह दी है। कोर्ट ने बीसीसीआई से पूछा है कि क्या वो सूखा प्रभावित इलाकों के लिए सीएम राहत कोष में कुछ योगदान करना चाहेगा। आज इसी मामले में सुनवाई होनी है। देश के जिन 10 राज्यों में सूखे के हालात हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल हालात महाराष्ट्र में हैं। लोग किस तरह से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और इन सब के बीच जब पानी एक्सप्रेस लोगों के लिए उम्मीद लेकर लातूर पहुंची, तो पानी मिलना तो पीछे रह गया, सियासत आगे आ गई। और ये सियासत है अपनी पीठ थपथपाने की। देखिए किस तरह ट्रेन के वैगन पर नेताओं के पोस्टर लगे। यहाँ पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने और हमारे सीएम, ये सब मिलके, ये लोगों ने, खड़से साहब ने और हमारे पालक मंत्री पंकज जताई ने हमारे लातूर की समस्या जानकर यहाँ पर ये मिरर से रेल भेजी है। जनता पानी पानी रे कर रही है और नेता पानी की हर बूंद में वोट की उम्मीद तलाश रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और वो सब कुछ देख रही है। ये कहते हुए कि हम आंखें नहीं मूंद सकते, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर यही तस्वीर पेश की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई को आईपीएल के कुछ मैचों को पुणे और नागपुर से बाहर शिफ्ट करने की सलाह दी है। मंगलवार को बीसीसीआई ने हाई कोर्ट में कहा कि मैच के लिए सीवेज का पानी रिसाइकिल किया जाएगा। ये पानी रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब यानी RWITC देगा। इस पर हाई कोर्ट ने बीसीसीआई से 3 सवालों का जवाब देने को कहा। क्या RWITC लिखित रूप में दे सकता है कि वो पुणे में किसी भी मैच के दौरान सीवेज का ट्रीटेड पानी मुहैया कराएगा? क्या बीसीसीआई सूखा प्रभावित इलाकों के लिए सीएम राहत कोष में कुछ योगदान करना चाहेगा? क्या बीसीसीआई आईपीएल मैचों के लिए इस्तेमाल होने वाले 40 लाख लीटर रिसाइकिल पानी को सूखा प्रभावित इलाकों में सप्लाई करेगा? हालांकि बीसीसीआई ने कोर्ट का फैसला मंजूर करने की बात की है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने जो सीवरेज ट्रीटेड पानी है उसके इस्तेमाल की बात कही है और हमने कोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम किसी भी तरह से इस ऐसे पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे जो लोगों के पीने के लिए हो या जिसको टैंकर से लाकर इस्तेमाल किया जाए, हम उस पक्ष में नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि अगर महाराष्ट्र में होने वाले मैच दूसरी जगह शिफ्ट किए जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, भले ही उन्हें राजस्व की हानि उठानी पड़े। कोर्ट ने फडणवीस सरकार पर तंज कसा। आमदनी का नुकसान होने के बावजूद शब्दों का इस्तेमाल करने पर कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार के लिए आमदनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? अब जरा देश के दूसरे राज्यों की तस्वीर देखें। पानी के लिए मारामारी के बीच कल एक फैसला चंडीगढ़ में भी लिया गया, जहां 15 अप्रैल और 30 जून के बीच सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच कार धोने या पौधों में पानी डालने वालों पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हम लोग ने एक हफ्ते के अंदर ये पिटीशन दाखिल किया है हाई कोर्ट में, तो इसके ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ल्ड कप के लिए नहीं करना था और आईपीएल के अगेंस्ट हमारी कोई मुहिम है। दिस इज ओनली फॉर वाटर कंजर्वेशन, इट हैज नो नेगेटिव कॉनोटेशन। साफ है जनता पानी पानी कर रही है, लेकिन सियासत खेल के नाम पर पानी का सियासी खेल खेल रही है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई।